नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको साइबर क्राइम से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे, साथ में साइबर फ्रॉड की समस्याओं का समाधान भी आपको बताएंगे। आज का युग कंप्यूटर और इंटरनेट का युग है। कंप्यूटर की मदद के बिना किसी बड़े काम की कल्पना करना भी अब मुश्किल होता है। ऐसे में अपराधी भी तकनीकी के सहारे हाईटेक हो रहे हैं। वो जुर्म करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और आदि का प्रयोग करते हैं। आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स खूब चलन में हैं और ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ईमेल, चैट्स के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के मामले अक्सर सामने आते हैं और इन आधुनिक तरीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना साइबर अपराध के दायरे में ही आता है। ऑनलाइन ठगी या चोरी भी इसी श्रेणी का अहम गुनाह माना जाता है। किसी की वेबसाइट को हैक करना या सिस्टम डेटा को चुराना, ये सभी तरीके साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। साइबर क्राइम दुनिया भर में सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। भारत में भी साइबर क्राइम मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अक्षय वर्मा जी। अक्षय जी, आपको साइबर फ्रॉड से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। आप फोन करके राय ले सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। साइबर क्राइम से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 01206127937, 01206127938। नंबर्स पर आप कॉल करके इस विषय से जुड़ी कानूनी जानकारी हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है या आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, किसी चीज का समाधान चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम के जरिए जुड़िए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और अक्षय वर्मा जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या है साइबर अपराध कानून और कानून में किसे कैसे परिभाषित किया गया है। जी, सबसे पहले मैं एपीएन न्यूज चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे को आमंत्रित किया इस विषय पर बात करने के लिए। जी, अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आपने सवाल किया कि साइबर क्राइम, देखिए आजकल की डिजिटल दुनिया है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, हर जगह डिजिटल का बोलबाला है। कहीं पे भी देखें, चाहे हम करेंसी की बात करें या किसी ट्रांजेक्शन की बात करें, जितनी हम ऑफलाइन करते हैं उससे ज्यादा हम सारे काम ऑनलाइन करते हैं। तो कोई भी काम, इलीगल एक्टिविटी रादर मैं कहूंगा, कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो ऑनलाइन कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से की जाए, वो सारे के सारे एक साइबर श्रेणी के माध्यम से उसके अंदर आ जाएंगे। और किसी प्रकार की वहां पर कोई ठगी होती है या किसी तरह का कोई क्राइम होता है तो वो सब साइबर क्राइम कहलाए जाएंगे, जिसके अंदर चाहे हम कोई एटीएम का फ्रॉड ले लें, चाहे हम ईमेल के फ्रॉड ले लें, चाहे हम इसमें किसी भी इस तरह का चीज ले लें जहां पर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हम कोई भी किसी भी तरह का फ्रॉड कमिट करते हैं। जी बिल्कुल। अक्षय वर्मा जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीकी कानून 2000 और सूचना तकनीकी संशोधन कानून 2008 लागू होते हैं, मगर इसी श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता, कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून और भी तमाम कानून हैं जिनके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बारे में भी संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को समझाइए। कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारे संविधान में बहुत सारे इस तरह के छोटे 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 एक्ट को कंबाइन किया गया है कि अगर एक ऑफेंस की पनिशमेंट हमें एक एक्ट में दी गई है तो उसी का अल्टरनेटिव या उसी तरह की कोई एक पनिशमेंट एक दूसरे एक्ट में भी प्रोवाइडेड है। खास तौर पे साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर एक्ट आता है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसकी अभी आपने भी बात करी। उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं कुछ 2008 के अंदर,
उसके अलावा कुछ ऐसी श्रेणी है जो हमारी आईपीसी की धाराएं में कवर हो जाती है जो साइबर फ्रॉड के अंदर फॉल करते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक संक्षिप्त में जो जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं वो एक बार इस कार्यक्रम के अंत में आपको मुश्किल से 7 से 8 सेक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसके अंदर आप सारे का सारा साइबर क्राइम आईपीसी से रिलेटेड, साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड और अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड सारा आप उन्हीं 5-7 सेक्शंस में कवर कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। साइबर अपराध की शिकायत तक कहाँ की जाए और क्या शिकायतकर्ता अपनी पहचान गुप्त रख सकता है जब वो शिकायत करने पहुंचे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आजकल के दौर में साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे हमारे हर जिले में, हर एक छोटे छोटे कस्बों में, हर कुछ डिस्टेंस के बाद, कुछ किलोमीटर के बाद एक पुलिस स्टेशन की व्यवस्था की गई है, इसी तरह से सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साइबर सेल की भी व्यवस्था की गई है, जहां पर इस तरह के सारे साइबर से जुड़े मुकदमे ही लिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर अगर हम दिल्ली को डिवाइड कर दें जोन के अंदर, तो यहां पे पर्टिकुलर कई जोन में साइबर सेल खुले हुए हैं। उन साइबर सेल के अंदर इसी तरह की साइबर से रिलेटेड कोई ठगी है, ठगी का मामला है, कोई चोरी का मामला है, कोई ईमेल फ्रॉड का मामला है, कोई ट्रांजेक्शन से फ्रॉड का मामला है, वो सारे वहां पर सुने जाते हैं, सुनवाई होती है। जैसा कि हम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट एक फाइल करते हैं, ऐसे ही हमें साइबर क्राइम सेल में जाकर एक कंप्लेंट देनी होती है, जिसके तहत वो आगे कार्रवाई करते हैं। और हाँ, इसके अंदर अगर हम चाहें तो हम अपनी पहचान को गोपनीय भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल अक्षय जी। अक्षय जी, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई किसी की अश्लील तस्वीर या फिर वीडियो अपलोड करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी काम अगर हम कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गलत वे के लिए या गलत किसी चीज के लिए करते हैं तो वो सारे साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाते हैं। इसी तरह से ये आपने जो पोर्नोग्राफी की बात करी है, ये बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम एक माना जाता है, जो कि खाली हिंदुस्तान में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड ये ट्रीट होता है, और इसके लिए बहुत कड़ी सजाएं तय की गई हैं हमारे कानून में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। अगर हम उसकी बात करें, सेक्शन 66A है जो ये प्रोवाइड करता है कि किसी भी तरह का इस तरह का ऑप्सोलीन एक्ट, ऑप्सोलीन पिक्चर्स, कोई पोर्नोग्राफी आप डाउनलोड करके या किसी को सेंड करते हैं तो उसके अंदर आप फॉल कर जाते हैं और वो आप 66A की धारा के तहत आपको सजा दी जाती है। बिल्कुल अक्षय जी, किसी दूसरे शख्स की पहचान से जुड़े डेटा या फिर गुप्त सूचनाएं वगैरह का अगर इस्तेमाल करना भी साइबर अपराध है, और अगर कोई इंसान दूसरे के क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर का इस्तेमाल करके शॉपिंग या पैसे निकालने का प्रयास करता है तो वो इस अपराध में शामिल हो जाता है क्या, इसके बारे में भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, आप जो ये बात कर रहे हैं ये बेसिकली बात कर रहे हैं डाटा थेफ्ट की, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। जी आजकल जैसे आपने देखा है कि डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास डेली ही बहुत सारे कॉल सेंटर से अलग अलग तरह से बनकर अलग अलग स्कीम्स को बताते हुए हमारे से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जाती है। जी और ये जो इंफॉर्मेशन है ये बड़े हाई स्केल पर आगे सेल आउट की जाती है, जिससे कि बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है उन लोगों के थ्रू, और उस इंफॉर्मेशन जो लीक होती है उसका हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और ये इस तरह के जितने भी क्राइम्स हैं जो कि डाटा थेफ्ट से रिलेटेड हो गए, आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेटेड हो गए, कोई क्रेडिट कार्ड थेफ्ट हो गया, कोई पासपोर्ट नंबर किसी ने गैर कानूनी तरीके से हमारे से ले लिया, या कोई आधार नंबर ट्रैक कर लिया, इस तरह की जितनी भी ऑनलाइन पासवर्ड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हैं, वो हमारे सेक्शन 43B, 66E, 67C हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके अंदर सब ये दंडनीय अपराध हैं। इसके अलावा अगर बात करें हमारे आईपीसी की, तो आईपीसी में सेक्शन 379, 405, 420 ये ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिसमें हम उन लोगों के अगेंस्ट
शिकायत कर सकते हैं, एक्शन लिया जा सकता है और इसमें कड़ी सी कड़ी सजा उनको दिलवाई जा सकती है। बिल्कुल अक्षय जी, अगर किसी का बैंक अकाउंट हैक हो जाए तो फिर क्या किया जाए? जी बिल्कुल, अभी जैसे हम बात ही कर रहे थे डाटा थेफ्ट की, तो कोई बैंक अकाउंट है, कोई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि ओटीपी बहुत तरीके से लोग हासिल करने की फिराक में रहते हैं कि किसी तरह से उनको हमारे ओटीपी मिल जाए जिससे वो हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो कर पाए। वो सब भी हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जो अभी मैंने धाराएं आपको बताई उसके तहत ये सब पनिशेबल है और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। ओके सर, हैकिंग क्या होती है और किन धाराओं के तहत सजा दी जाती है, कितनी सजा का प्रावधान है, ये भी थोड़ा स्पष्ट तरीके से हमारे दर्शकों को समझा दीजिए अक्षय जी। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी भी पहले आपको बताया कि आजकल हम जितने भी मेजर वर्क हैं सब ऑनलाइन करते हैं, इससे क्या है हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। हमें जो एक क्यूज में लगने की जो एक प्रक्रिया होती है उससे हम बच जाते हैं और हमारा काम थोड़ा सा इजी वे से हो जाता है, घर बैठे बैठे हो जाता है जी। तो इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाते हुए जो आजकल की हैकर्स हैं वो बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, हमारे मोबाइल फोन्स को, हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे लैपटॉप्स को, हमारी ईमेल आईडीज को किसी तरीके से वो हैक करने की कोशिश करते हैं और वो हैकिंग जो है बहुत बड़ा क्राइम है जिसके लिए यहाँ पर 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना तक का प्रावधान है हमारे कानून में। जी आज हम आपको साइबर क्राइम से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी के बारे में बता रहे हैं और जिसके लिए हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ अक्षय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको इस विषय से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका भी इस विषय से कोई सवाल है, इस विषय से जुड़ी हुई कोई कानूनी जानकारी आप जानना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर जरूर प्राप्त करें, हम आपकी पूरी मदद करना चाहेंगे। अक्षय जी, डेटा की चोरी से जुड़े जो जुर्म होते हैं कानून और इससे जुड़े सजा क्या हो सकती है? जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि जितने भी डाटा से चोरी का मामले हैं को डाटा थेफ्ट बोलते हैं या आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं, उसमें जो सजा का प्रावधान है वो 3 साल का है और साथ ही साथ इसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है हमारे जो एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जी बिल्कुल, वायरस स्पाईवेयर फैलाने से जुड़े जुर्म कानून और सजा क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, जब भी हम कंप्यूटर की या मोबाइल की या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड हमने बहुत बार बार सुना होगा जिसको हम बोलते हैं वायरस। वायरस क्या चीज है? वायरस कुछ सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर इस तरह के जो लोग हैं जिनको क्राइम करने हैं वो क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करके किसी मेल कंटेंट के थ्रू, किसी मैसेजेस के थ्रू, किसी लिंक के थ्रू वो हमारे पास भेजते हैं, हमारे इनबॉक्स में भेजते हैं, हमारे मोबाइल से भेजते हैं, कंप्यूटर से भेजते हैं, जिसको क्लिक करने से हमारे सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी उनके सिस्टम से रिफ्लेक्ट होने लग जाती है जी। और उससे वो किसी भी तरह का साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड करने में सक्षम हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। अब आपने बात की कि जो वायरस जो क्राइम है या इस तरह की जो क्राइम है उसके लिए सेक्शन 43C, सेक्शन 66 जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है और जो हमारा आईपीसी है उसके तहत सेक्शन 268 उसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं जिसके अंदर सजा 3 साल और जुर्माने का प्रावधान दिया है। जी बिल्कुल अक्षय जी, अक्षय जी ये ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड से जुड़े जुर्म कानून और सजा क्या है? वही जैसा अभी मैं बता रहा था आपको कि किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो ईमेल के थ्रू मेजरली भेजते हैं। जो जो आजकल वैसे हम सब लोग ईमेल यूज करते हैं, जब भी हम कभी मॉर्निंग में अपना ईमेल अकाउंट खोलते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी जंक मेल्स हमारे पास आई होती है। उन जंक मेल्स के थ्रू वो या तो वायरस क्रिएट डालने की हमारे सिस्टम में कोशिश करते हैं या कोई डाटा हमसे लेने की कोशिश करते हैं और इन सब चीजों की जानकारी ना दें
सतर्क रहें, और क्योंकि इन सब के लिए हमारे कानून के अंदर भी प्रावधान दिया गया है, जिसके अंदर आईटी एक्ट के सेक्शन 77B के अंदर इन सब चीजों के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। साथ ही सेक्शन 66B है हमारे आईटी एक्ट का, जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर भी, जिसके अंदर 3 साल और फाइन का प्रावधान दिया गया है इस तरह की क्राइम। बिल्कुल अक्षय जी, पोर्नोग्राफी से जुड़े जुर्म कानून और सजा के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। अभी तो पहले भी हम बात कर रहे थे, पोर्नोग्राफी एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ क्राइम है, जो कि ना सिर्फ भारत के अंदर और बहुत देशों के अंदर ये इस तरह का क्राइम चलता है, और किसी भी तरह की अश्लील पिक्चर, अश्लील वीडियो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, या किसी कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से अगर हम भेजते हैं तो वो इस श्रेणी के अंदर फॉल करता है। हमारे आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 67A है, और आईपीसी के अंदर बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे कि 292, 293, 294, 500, 506 और 509, जिसके अंदर ये सब चीजें पनिशेबल हो जाती हैं, और इसमें 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे अक्षय जी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की क्या अलग से कोई सजा है, कोई अलग प्रावधान है बच्चों से जुड़ी इन यौन गतिविधियों को लेकर, या वही सजा और वही कानून? नहीं, इसमें चाइल्ड का पोर्नोग्राफी है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, और इसको और ज्यादा सीवियर माना जाता है कि किसी भी 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे की चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर किसी भी तरह से वो किसी मोबाइल के थ्रू, किसी लैपटॉप के थ्रू, किसी कंप्यूटर के थ्रू, या किसी भी डिजिटल माध्यम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है या भेजी जाती है या डाउनलोड होती है, उसके लिए सेपरेट प्रावधान है सेक्शन 67B के तहत, जिसमें जो सजा है सजा 7 साल तक के लिए की जाती है और इसमें 10 साल तक का जुर्माना किया जाता है। बिल्कुल अक्षय जी, ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों और महिलाओं को इंटरनेट या सोशल मीडिया के जरिए तंग किया जाता है या उनका उत्पीड़न किया जाता है, तो ये जो जुर्म है किस तरह के जुर्म में से रखा जाता है और उसके लिए क्या सजा होती है? अगर मैं एक सिंपल भाषा की बात करूं तो एक स्टॉकिंग वर्ड हम यूज करते थे, अगर कोई भी आते जाते किसी भी लड़कियों को या महिलाओं को या बच्चों को कोई तंग करता है या परेशान करता है या छेड़छाड़ करता है या उनपे कोई बुरी नजर डालता है, इसी तरह से अगर हम साइबर क्राइम की भाषा में देखें तो ये साइबर स्टॉकिंग है। साइबर स्टॉकिंग के लिए जो हमारे आईटी एक्ट के प्रोविजन है सेक्शन 66A, उसके अंदर सजा का और फाइन का प्रावधान दिया। जी बिल्कुल अक्षय जी, अब उन सेक्शंस के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए जिनके बारे में अभी आप बात कर रहे थे, और संक्षिप्त में बताइएगा सर। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सेक्शन हैं, अगर आप इन सेक्शंस को गो थ्रू कर लें, इन सेक्शंस को रीड आउट कर लें तो जितनी भी तरह की ये साइबर समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आप उसको मतलब समझने में और उसके कानून से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्या क्या कानून है हमारे पास, कैसे हम सजा दिलवा सकते हैं, उन सब चीजों में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की बात करूं तो उसके अंदर सेक्शन 43, 66, 67 के साथ साथ सेक्शन 77, सेक्शन 67B, सेक्शन 66A, सेक्शन 66C, सेक्शन 66E, ये सब है। और अगर मैं ऐसे आईपीसी की बात करूं तो आईपीसी में हमारे पास सेक्शन 379, 405, 419, 420, जिसमें हमारा थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, इस तरह के सारे प्रोविजन आते हैं, और सेक्शन 506 जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन वगैरह सारा फॉल करता है, इसके अंदर हम किसी को भी पनिश करवा सकते हैं जी, और उनको फाइन करवा सकते हैं। जी अक्षय जी, यही सिर्फ सेक्शंस हैं इसमें जिनके बारे में हम बात करना चाह रहे थे? ये कुछ मेजर सेक्शंस हैं, अदरवाइज इसमें और भी कई सारे सेक्शंस हैं। अगर मैं कुछ ऐसे जरूरी हो जिस जो हमारी जनता को जानने की जरूरत हो, कुछ ऐसे सेक्शंस हो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो
और हमारी दर्शकों को इसे जानने की जरूरत हो तो उन्हें भी एक बार गो थ्रू कर दीजिए सर। जी बिल्कुल, सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 43A, 43A और सेक्शन 66। सेक्शन 66 कई पार्ट में दिया गया है और ये सेक्शन कई तरह के डिफरेंट आईटी सेक्टर के क्राइम से डील करता है, जिसके अंदर आप चाहे हैकिंग लें, चाहे डाटा थेफ्ट लें, या पोर्नोग्राफी लें, ईमेल फ्रॉड लें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी लें, ये सारे के सारे प्रोविजन इन सेक्शन के अंदर कवर हो जाते हैं। इसके साथ हम रीड करते हैं आईपीसी को, क्योंकि आईपीसी हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर हर चीज की सजा का प्रावधान दिया गया है। आईटी एक्ट के सेक्शन को जब हम आईपीसी के साथ रीड करते हैं तो उसके अंदर सेक्शन 379, जैसे कि थेफ्ट ने भी आपको बताया, सेक्शन 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 49 जिसको हम चीट बोलते हैं, सेक्शन 268 जिसमें पर्सन गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, क्योंकि ये सब चीजें पब्लिक को परेशान करने के इंटेंट से करता है कोई भी, तो ये सब सेक्शन इसमें हम लगा सकते हैं। बिल्कुल अक्षय जी, आपने तमाम जानकारी साइबर क्राइम से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। जो सेक्शंस जरूरी थे उनके बारे में इतनी अच्छी तरह से दर्शकों को उसकी जानकारी दी, आप इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।